सदर युवा कांग्रेस ने मंडी शहर में पेट्रोल डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने पेट्रोल डीजल के दामों में की गई बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार को दोषी माना और कहा कि बढ़ी हुई कीमतों को वापस लिया जाना चाहिए। इस अवसर पर सदर युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रविंद्र डोगरा ने कहा कि डीजल के दाम पेट्रोल को भी पीछे छोड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि दामों में बढ़ोतरी केंद्र सरकार की गलत नीतियों के कारण हुई है। उन्होंने केंद्र सरकार से बढ़े हुए दामों को वापस लेने की मांग भी की। मैं रविंद्र ठाकुर कांग्रेस प्रेसिडेंट मंडी से हूँ। आज जो हमने धरना प्रदर्शन यहाँ किया जो वो पेट्रोल डीजल के दामों की बढ़ोतरी के बारे में किया है। जब आप सबको पता है जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेलों के दामों में गिरावट आई है तो यहाँ भी तेलों के जो रेट है वो कम होने चाहिए थे, तो इन्होंने कम के बजाय यहाँ मतलब 4 गुना आगे कर दिए हैं। और इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पेट्रोल पीछे और डीजल आगे निकल गया है। तो हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार जो इसमें बढ़ोतरी की है दामों में उसको वापस ले, और अन्यथा नहीं तो यूथ कांग्रेस आगे को और उग्र आंदोलन करेगी, नहीं तो इनके MLA और MP का घेराव भी करेगी।